हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MNP नॉलेज स्कूल। फ्रेंड्स, जब से बजट में घोषणा की गई है कि सरकार LIC की IPO जारी करने वाली है, तब से इसके बिजनेस को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। 1 फरवरी के बजट के बाद लगातार ये बातें चर्चा में हैं। इसी बीच LIC ने बिजनेस में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में आपको 31 जनवरी 2020 तक के लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि LIC की टोटल एसेट अभी कितनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, न्यू बिजनेस प्रीमियम से LIC की कुल कमाई का आंकड़ा पहली बार 1.5 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। अब LIC का मार्केट शेयर बढ़कर लगभग 78% पर पहुंच गया है। दोस्तों, सितंबर 2019 तक LIC की टोटल इनकम में 18% का उछाल आया है और लगभग 3 लाख करोड़ रुपए रही है। ठीक 1 साल पहले इसी अवधि में LIC की कमाई लगभग 2.5 लाख करोड़ रही थी। दोस्तों, अगर हम डिफरेंस को देखें तो लगभग 50,000 करोड़ की जो बढ़ोतरी है वो हुई है। दोस्तों, इसी दौरान LIC की संपत्ति में कुल 8% का उछाल आया है। LIC की संपत्ति लगभग 29,90,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 32,25,000 करोड़ रुपए हो गई है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो लगभग 2,35,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, LIC के चेयरमैन MR कुमार ने कहा है कि इस दौरान फर्स्ट ईयर इंडिविजुअल न्यू प्रीमियम में जनवरी 2020 तक 17.48% का उछाल आया है। अगर हम नंबर ऑफ़ पॉलिसी और फर्स्ट ईयर प्रीमियम की बात करें तो नंबर ऑफ़ पॉलिसी में LIC का मार्केट शेयर है 77.61%, और अगर हम फर्स्ट ईयर प्रीमियम की बात करें तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम में LIC का मार्केट शेयर है 70.02%। तो दोस्तों, ये था LIC का टोटल एसेट 31 जनवरी 2020 तक के हिसाब से। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।